हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका अपने इस बीएससी ऑटोमेटिक सॉल्यूशन में स्वागत है। आइए जानते हैं कार्डिमोल प्लस टैबलेट के बारे में है। दोस्तों, क्या आप सब लोग भी इस कार्डिमोल प्लस टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं? यदि हाँ कर रहे हैं तो आज हम इस कार्डिमोल प्लस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके क्या लाभ हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इन सारी जानकारी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपके दवाओं से, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो हम डेली अपडेट करते रहते हैं, आपको हर एक दवाओं से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। चलिए आइए जानते हैं कार्डिमोल प्लस टैबलेट 10 के बारे में। दोस्तों, यह डॉक्टर के द्वारा निर्धारित की जाने वाली टैबलेट है, दवा है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। लेकिन इसका मुख्य कार्य, इसके जो फायदे हैं, बेनिफिट हैं, वो क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। विशेष रूप से इसे हम जानना ज़रूरी है हमें, जिन लोगों, जो लोग यूज कर रहे हैं इस टैबलेट का। पहला कार्य इसका है माइग्रेन। यदि आपको सर का आधा भाग दर्द कर रहा है, दिक्कत हो रही है, माइग्रेन जैसी समस्या है, तब आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। एंजाइना, यदि आपको एंजाइना है, हाई बीपी है, हाई बीपी, आपका बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, और हाई बीपी जैसी समस्या हो रही है, तब आप इन दिक्कतों को दूर करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, जिनका नाम कार्डिमोल प्लस 10 टैबलेट है। ठीक है दोस्तों, यह और भी इसके मुख्य लाभ हैं, क्या क्या हैं, माइग्रेन, एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर, और यहाँ तक कि अनियमित दिल की धड़कन का जब बढ़ जाना, तब इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए दिया जाता है। दिल का दौरा पड़ना और यहाँ तक कि हृदय वाल्व रोग जैसी समस्याओं का होना, और यदि ज़्यादा चिंता हो रही, महिलाओं को ज़्यादा चिंता होती है, पुरुषों में भी यह अक्सर देखने को मिलता है कि उन्हें चिंतित रहते हैं, तब आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही। यदि आपको इन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें, उसके बाद ही इस टैबलेट का उपयोग करें। दोस्तों, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। कार्डिमोल प्लस के साइड इफ़ेक्ट हैं मतली होना और उल्टी, दस्त, इन सभी चीज़ों को थोड़ा देखने को मिलता है, इनके यह साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब किनको लेना चाहिए, किनको नहीं। गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए, तो यदि गर्भवती महिला हैं तब उनको अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस कार्डिमोल प्लस टैबलेट का उपयोग करें। यदि कोई महिला स्तनपान करा रही हैं, शिशु को, बच्चे को, तब उनको बेहद ही कम दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, तब भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे विचार विमर्श करके लें। लीवर, किडनी पर हल्का प्रभाव पड़ता है, इन सारी समस्याओं से यदि ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर लें, और यदि आपके हृदय में दिक्कत है तब भी आप डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब।